Welcome back all of you. In this video, we are going to solve illustration number 3. In previous video, we solved illustration number 2. With shortcut method, how we will find the mean. In this example, there is a mistake and we have to solve it. So let's start illustration number 3. The mean weight of a group of 20 persons was found to be 55 kg. यहाँ पे the mean is given, x bar is given and the number of person is given. So here, ध्यान से पढ़िए, the mean weight of a group of 20 person. 20 person is n, number of observation. यहाँ पे n is equals to 20. And the mean weight, यानी कि mean is given, x bar is given, x bar is equals to 55. Later, it was discovered that one of them reported her weight at 45 kg, which was actually 54 kg. Find the correct mean of their weights. बाद में पता चला कि 20% में से 1% ऐसा था जिसका वेट एक्चुअल में 54 था, यानी कि करेक्ट था 54 एंड इनकरेक्ट, यानी कि गलती से उसने लिखा दिया है या तो फिर जो ऑब्जर्वेशन करा था उसने लिख लिया है 45. ये मिस्टेक है, वो बाद में पता चला. अब हमें फाइंड करना है करेक्ट मीन. किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो मीन का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. अब यहाँ पे सिग्मा एक्स क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन एक्स क्या होगा, 20% है, 20% के वेट के ऊपर हमने मीन फाइंड किया है. तो 20% यानी कि फर्स्ट पर्सन का वेट, सेकंड पर्सन का वेट, थर्ड पर्सन का वेट, फोर्थ पर्सन का वेट, इस तरह से सारे वेट, सपोज एक का 40 होगा, 45 होगा, 56 होगा, इस तरह से सारे जो पर्सन है उसका वेट का टोटल यहाँ पे सिग्मा एक्स हुआ होगा. समझ में आ रहा है, वेट मीन वेट ऑफ 20%, यानी कि 20% के ऐसे वेट का टोटल किया जाएगा सिग्मा एक्स. बाद में हमें पता चला कि एक जो पर्सन था उसका एक्चुअल वेट 54 था, तो ये जो सिग्मा एक्स है वो हमारे पास नहीं है, तो ये मीन का फॉर्मूला यूज करके हम सिग्मा एक्स फाइंड कर पाएंगे. किस तरह, एक्स बार हमारे पास है कितना है 55, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स हमारे पास नहीं है पर एन हमारे पास है 55, यानी कि एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. अब सिग्मा एक्स फाइंड करने के लिए 20 को अगर हम दूसरी जगह पे लेके जाए, दूसरे फॉर्मेशन में लेके जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55 इंटू 20 इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स 55 ये डिवाइड में है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. सो सिग्मा एक्स इज इक्वल्स टू 1100. 1100 सिग्मा एक्स होगा जिसका एक्स बार होगा 55, बट ये क्या है, इनकरेक्ट, ये सिग्मा एक्स इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे एड है 45. एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 45 एड है बट इसके बदले क्या है 54. तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल है इसमें से हम 45 अगर माइनस कर दे और 54 को ऐड कर दे तो करेक्ट सिग्मा एक्स मिल सकेगा हमें. क्लियर, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो करेक्ट सिग्मा एक्स को फाइंड करना है. करेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जो इनकरेक्ट टोटल है उसमें प्लस करेंगे जो करेक्ट एक्स है वो 54 और माइनस करेंगे जो इनकरेक्ट है वो, ये जो टोटल है वो रॉन्ग है. एक ऑब्जर्वेशन उसमें 54 की जगह 45 ले लिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें 54 करेंगे एड और 45 करेंगे माइनस, तो हमें करेक्ट जो है वो टोटल वेट मिल जाएगा 20% का. क्लियर, तो यहाँ पे सिग्मा एक्स हमें मिलेगा
1109. ये हो गया करेक्ट सिग्मा एक्स. अब करेक्ट एक्स बार हमें क्या फाइंड करना है, करेक्ट मीन फाइंड करना है. करेक्ट एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन. अब यहाँ पे सिग्मा एक्स ये लेंगे जो हमने करेक्ट फाइंड किया वो 1109, एन इज 20. सो एक्स बार इज इक्वल टू 55.45. ये है एवरेज वेट ऑफ 20%. क्लियर? किस तरह का सम था ये? टोटल 20% है, उसका मीन वेट उन्होंने फाइंड कर लिया, 55 kg आ गया. बाद में उन्होंने उनको पता चला कि 20% में से 1% ऐसा है जिसका वेट 54 है, लेकिन लिख लिया है हमने, कंसिडर कर लिया है 45. सबसे पहले हम टोटल फाइंड करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल फाइंड करेंगे सिग्मा एक्स. फिर जो इनकरेक्ट टोटल मिला उसमें से करेक्ट वैल्यू करेक्ट वेट करेंगे प्लस, इनकरेक्ट वेट करेंगे माइनस, फिर करेक्ट टोटल मिला. अब करेक्ट टोटल को यूज करके हम करेक्ट एक्स बार फाइंड करेंगे, विच इज सिग्मा एक्स अपॉन एन 1109 डिवाइडेड बाय 20. सो द करेक्ट एक्स बार इज 55.45 kg. ये आएंगे क्लियर इस वीडियो में, ये एक सम. नेक्स्ट वीडियो में अनग्रुप्ड, ये सारे जो ऑब्जर्वेशन है वो है अनग्रुप्ड डेटा. अब नेक्स्ट जो हम सम करेंगे वो होगा फॉर ग्रुप्ड डेटा. ग्रुप डेटा अगर हमें दिया गया हो उसके ऊपर से एक्स बार कैसे फाइंड करना है उसका फॉर्मूला, उसकी मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे. तब तक के लिए इसको अपनी नोटबुक में लिखते रहिए और रिवाइज करते रहिए.